पर अभी देख सकते हो दोस्तों पुलिस थाना में खड़े हैं, अभी थाना में रुके हुए हैं और पैसा दे के गए हैं 2000 रुपया, इसी को देना है, चलान है। आज दिन भर हो गया, खाना भी नहीं खाए तो खाना खाते हैं। हेलो दोस्तों, अजय की ओर से प्यारी सी नन्नी सी गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपका भाई फिर से न्यू ब्लॉग लाया, तो ब्लॉग पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी हम हैं जगदलपुर में और ये पार्किंग है, सेमरा पार्किंग है, देख सकते हो। हमने यहाँ पर गाड़ी को लगा के अपना गाड़ी को भी थोड़ा धो लिया, साफ़ सुथरा कर लिया, कपड़े भी धो लिए क्योंकि 2 दिन के कपड़े धुले नहीं थे इसके वजह से। और अभी हमको लोड करना है, पत्थर लोड करना है केसकाल का। केसकाल से 100 किलोमीटर पड़ेगा केसकाल। और हम वहाँ पर नहा रहे थे जहाँ पे वो गाड़ी लगी है, TN गाड़ी लगी है, तो यहीं पर ही नहा धो के बढ़िया यहाँ से निकल रहे हैं अभी, क्योंकि 9 बजे नो एंट्री लगने वाला है और अभी बज रहे हैं 8:20। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, लोड होगा वो सब चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को। तो मेरे प्यारे से ब्लॉग में बने रहो, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो अभी चलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस सभी निकलने वाले हैं, तो वहाँ पर हमने थोड़ा पूजा पाठ भी कर लिया और आज नारियल वारियल फोड़ा है, बढ़िया से कपड़े उपड़े सब धो लिए, देख सकते हो अंदर। ये मेरा ड्राई पैड कुछ काम नहीं आता यार, सिर्फ फांती ठीक है, उससे अच्छा तो इसको इधर रख देते और चलते गाइस, क्योंकि साढ़े दोस्तों अभी घूम रहे भाई जगदलपुर के सिटी में और खोज रहे हैं अभी, क्योंकि मैप तो भेज दिया है, उतना टाइम से तो पूछ के जा रहे थे और अभी मैप भेज दिया है तो सीधा निकल गए हैं। भाई हमको भेज दिया भाई उल्टे रास्ते में, इस रास्ते में जाना ही नहीं है और ये रहा जगदलपुर, जगदलपुर को पूरा छोड़ के आ गए हैं। लोकेशन ऐसा भेजा यार कि समझ में नहीं आ रहा है। फिर मोड़ रहे हैं गाड़ी को यहीं से ही, यहीं से मोड़ लिए। अरे यार भेजते हैं तो ढंग से भेजना चाहिए, देखो 5-6 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं, जगदलपुर पूरा छोड़ दिया। ऐसे ऐसे लोकेशन भेजते हैं क्या ही बोलें। वहाँ से अभी निकले हैं, यही है, किसी ने गलत गलत लोकेशन भेज दिया था, हो जाता है यार मिस्टेक कभी कभी किसी से भी। तो अभी आया है भाई खुद ही अपने मोटरसाइकिल में और ले जा रहा है साथ में, तो चलते हैं फिर वहीं पर ही। तो दोस्तों आगे भाई लोडिंग करने के लिए, देख सकते हैं यही पत्थर सब होगी लोडिंग। तो गाड़ी को लगा रखे हैं, अभी ये सिटी एरिया है ये देखो, और मैं चला गया था जंगल एरिया में क्योंकि भाई जगह ऐसी दिया ही था तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो अपनी यहीं पर ही होगी, यही सब लोड होगी, अभी देखते हैं कितने टाइम तक हो जाए, अभी कोई पता नहीं कि कितने टाइम होगी, है ना, क्योंकि लेबर सब ये आए नहीं है और लेबर आएंगे उसके बाद में होगा, क्या पता कितना टाइम हो सकता है। जब तक देखते हैं नाश्ता वास्ता करने का जुगाड़ करते हैं, जब तक वेट करते करते गाइस 11 बज गया और अभी तक लेबरों का पता नहीं है, देखते हैं कितने टाइम आता है यार, कोई पता नहीं चल रहा है। और हमको लोडिंग भी मिल गया है, कहाँ का, खूंटी का, कहाँ से, चरामा से। तो केसकाल जाएंगे, केसकाल में इसको खाली करेंगे और वहाँ से जाएंगे खूंटी, मतलब चरामा से लोडिंग करके पाइप, जो पाइप हम लोड करके गए थे झारखंड के लिए, वहीं का ही माल है, तो फिर वहीं से ही माल भर के जाएंगे। गाइस अभी देखते हैं कितने टाइम तक आता है, टाइम बहुत होने जा रहा है, 11 बज गया अभी तक कोई पता नहीं है, और 11 बजे नाश्ता भी नहीं किए हैं, तो चलते अभी नाश्ता करते हैं जाके कहीं पर, देखते हैं यहाँ पर कहाँ मिलेगा, देख सकते हो। तो देखते हैं अभी कहाँ पर नाश्ता मिलता है, चलते हैं रोड तरफ। सबने ले लिया यहाँ पर इडली और बड़ा ले लिए हैं अगर गाड़ी के पास में, तो अभी भाई खाते हैं कैसा। तो गाइस यहाँ पर निकाल लिए, देख सकते हैं ये 10 रुपये का पीस है, एक पीस 10 रुपये का और बड़ा भी 10 रुपये पीस, तो मैंने 3 पीस लिए। और यहाँ पर 2 चटनी है, ये टमाटर चटनी है और ये सांभर है और ये नारियल की चटनी है, और कटोरी नहीं था इसी में रखे हुए हैं, ये नारियल की चटनी है। तो अभी खाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी खाना चालू करते हैं, देख सकते हो ये देखो, इसको तोड़े और इसमें नारियल चटनी है, क्या ही बोलें गाइस, सांभर इडली
आज के नाश्ते में मजा ही आ गया। तो अभी नाश्ता उस्ता करके बैठे हुए हैं, देखते कितने टाइम तक आता है, क्योंकि अभी तक आया नहीं भाई, 12 बजने वाले हैं। देखते कितने टाइम तक आता है, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई कितने मार्बल वहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सब भी पूरे मार्बल हैं। और ये वाला हमारा लोडिंग हो रहा है, ये देख सकते हो, ये देखो लोडिंग होना चालू हो चुका है। और ये भाई लोग उठाते हैं, देखना कैसे, ये देखना अभी, ये देखो भाई सब के सब एक साथ उठाते हैं। और देखो कैसे रख रहे हैं ऊपर में, अब धक्का मारेंगे, ये देखो। तो हो गई यहाँ पर लोडिंग, देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगा रखे हैं लोग, हिलेगा नहीं माल, ये भी तो हो गया पूरा। और एक गाड़ी आगे में, इसी के साथ जाएंगे हम भी। तो देखते हैं कितने टाइम तो छोड़ते, 2 बजने वाले, अभी डेढ़ बजा हुआ है। गाइस हमें पकड़ लिया भाई सिटी पुलिस ने, क्योंकि नो एंट्री में गाड़ी घुसा दिए थे। तो ये देखो गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है, और इधर है ऑफिस। तो अभी देखो क्या होता है भाई, सिटी में घुस गए थे, और नो इधर का तो सिटी समझ में ही नहीं आता है, नो एंट्री कहाँ है, क्या क्या है यार, समझ में। गाइस हाल ऐसा है कि भाई अभी थाना में रुके हुए हैं, और अभी देखते हैं कितने बजे छोड़ता है यार, आता थाना है। और बात ऐसी हुई कि हम दो गाड़ी निकल रहे थे, एक गाड़ी ट्रैफिक की वजह से आगे ज़्यादा निकल गई, तो इसी के कारण मैं आगे देख नहीं पाया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। और वो मेरे ख्याल से लेफ्ट मारा, और लेफ्ट मारा ऐसे लग रहा था, लेकिन राइट साइड में चला गया वो, तो मैं लेफ्ट साइड में घुस गया, तो वहाँ पे बाजार था, तो वहाँ पर लेडीज पुलिस खड़ी थी, रोको रोको गाड़ी को रुकवाई, उसके बाद मैं फ़ोटो वोटो खींची, उसके बाद वो बोलता है थाना जाएगी गाड़ी, आपने यहाँ पर घुसा दिया है गाड़ी को। मैंने बोला कुछ ले लो खर्चा पानी, नहीं कोई बात नहीं चलो, नहीं ली। उसके बाद मैं बोलती थाना ले जाओ, फिर आए दो कर्मचारी और यहीं पे बगल में बैठे, उसके बाद वो बोलते चलो थाना ले गए। और उसके बाद में भी थाना में खड़े दिखाते हैं आप लोगों को, है यहाँ पर वीडियो में बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं गाड़ी में आके बना रहा हूँ। तो ये हाल है, अभी देखते हैं कितने बजे छोड़ता है। गैस 2 बजे के फंसे फंसे यार अभी तक भी यहीं पर हैं, क्योंकि पार्टी वाला आ नहीं रहा है, जो व्यापारी को बोल रहा था यहीं पर थाने में ही, अभी भी देख सकते हो। पता नहीं कितने टाइम तक छूटेगी गाड़ी, और अभी फ़ोन लगाया था मैं, नंबर दिए थे, तो खैर अपने पहचान का है, आ रहा हूँ ऐसे बोले हैं। अब देखो कितना टाइम तक आते हैं, और पानी भी तेज़ हो गया, क्या पता कितने टाइम तक आएंगे। देख रहे हो पानी भी तेज़ हो गया, पानी भी गिरना चालू हो चुका है, ये देखो क्या कर सकते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं आएगा। 5 बजने वाले हैं, और पुलिस वाले का कोई पता नहीं है, और भैया भी आए थे जो यहाँ पर हैं, वो बोले थे साविर भैया, वो आए हैं और पैसा दे के गए हैं, 2000 रुपया, इसी को देना है, चलान है। पैसा किसी का भी होगा इस, पता है देने में अखरता ही अखरता है, क्योंकि पैसा किसी के भी जेब से लग रहा है, आखिर पैसा तो लग ही रहा है ना, बात यह है। और हम भी जानबूझ के ड्राइवर लोग कहीं भी नहीं घुसा देते हैं, अब पूछे थे मार्बल वाले से सीधा सीधा जाना, कह के गाड़ी भी जा रही थी आगे, लेकिन वो ज़्यादा दूर में था, इसके कारण हम भूल गए, बात ये। और फर्स्ट टाइम तो अपन यहाँ आ रहे जगदलपुर में, इसके वजह से और दिमाग ख़राब हो गया, वही बात है और कुछ नहीं। तो क्या कर सकते, अभी पैसा को दे के तो गया है, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे, अभी देखो कितने टाइम तक आएँगे, क्या रैली चल रही है, उसके बाद में आएँगे तो फिर दे के निकलेंगे। गाइस अभी क्या कर सकते हैं, और पानी भी बहुत गिर रहा है, इतने पानी गिरते समय भी आए भैया, उनको दिल से धन्यवाद बोला भी मैं, और इतना कष्ट उठाएं मेरे लिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। फाइनली अपने को चाबी, और ये रहा पर्ची, 2000 का काटा है, ये देखो यही है। और अभी यहाँ से निकलते हैं, पानी भी गिर रहा है, तो निकलते हैं गाइस जल्दी। ये रहा चाबी, चाबी भी ले लिए थे लोग, क्या बताएं। फाइनली दोस्तों जगदलपुर से निकल रहे हैं, देख सकते हो, और अभी जाके दिल को राहत मिली गाइस, क्या ही बोले यार, दिमाग ख़राब हो गया था वहाँ पुलिस स्टेशन में रह रह के। तो अभी निकल चुके हैं, तो अब चलते भाई धीरे धीरे, क्योंकि मार्बल लोड है भाई, टूटना नहीं चाहिए पार्टी का माल, तो धीरे धीरे चलेंगे अपन, क्योंकि आज तो खाली होनी नहीं है गाइस, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। टाइम कितना हो गया बताता हूँ आप लोगों को मैं, 5:30 हो गया टाइम। तो अभी देख सकते हो इधर की नदी पूरी भर चुकी है, ये पूरी सूखी रहती है, पूरी भर चुकी है,
और पानी आज दिन भर गिर रहा है, मतलब 2 बजे से चालू जो हुआ। सभी बजने वाले भाई 8, तो अपनी गाड़ी यहाँ पर लगाए अभी ढाबा के पास खाना खाने के लिए, क्योंकि दिन भर हो गया भाई खाना खाए नहीं है, तो अपनी गाड़ी लगी हुई है। अभी अंधेरा उसकी वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो अभी चलते हैं पहले खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है। तो चलते हैं खाना खाने के लिए, इधर ही ढाबा है, ये रहा ढाबा बिक्की ढाबा, तो यहीं पर ही खाना खाते हैं। तो गाइस आ गया भाई अपना खाना, भुजी तरी मंगाए हैं और इधर रोटी, तो खाना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देख सकते हो अभी दिन भर के ऐसे ही भूख लग रही थी यार दबा के, तो अभी खाते हैं खाना फिर बात करते हैं आप लोगों से। फाइनली गाइस अपना खाना हो चुका है भाई और निकल चुके हैं अभी केस काल के लिए, यहाँ से बचा होगा मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर, तो धीरे धीरे निकल रहे हैं और जाके आगे में भाई आराम आराम करेंगे। तो आज का ब्लॉग गाइस यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।